हेलो गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस। दिस इज योर चैनल एंड आई एम योर होस्ट, योर फ्रेंड। दोस्तों, अगर आप अपने लोन का सेटलमेंट कर रहे हैं तो किस तरीके से आप लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं इन अ डिफरेंट वे विद मैक्सिमम डिस्काउंट, दैट आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो टुडे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपके पास पूरा पेमेंट है लोन का, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए, तो कर दीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप सेटलमेंट कीजिए। सेटलमेंट अगर आप करते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा क्या मिलता है? सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है। मैं इसे फ़ायदे की बात कहूँगा, क्यों? जिनका सिविल स्कोर अच्छा था, लोन के ट्रैप में वही लोग फंसे हैं। नो सिविल स्कोर का मतलब ये है कि अब आप लोन के ट्रैप में कभी नहीं फंसेंगे। लोन के ट्रैप में फंसकर आपने अपनी गाढ़ी खून पसीने की मेहनत की कमाई, लाखों रुपए की कमाई उन लोगों को दे दी है, और वो पैसे अगर आप रख पाते अपने पास, कहीं इन्वेस्ट कर पाते, तो शायद आपकी कहानी एक अलग ही होती। तो अगर आप लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले 6 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद ही आपको ऑफर्स आने शुरू होंगे सेटलमेंट के, अगर आपने बीच में एक भी पेमेंट नहीं किया है तो। अगर बीच में आपने पेमेंट कर दिया तो फिर वहाँ से आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। कभी कभी ये ऑफर्स पहले आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेटलमेंट करने का एक सही अमाउंट कितना है? दैट शुड बी 30% ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। 40% में भी आप सेटलमेंट कर सकते हैं, 30% में भी सेटलमेंट कर सकते हैं, और 60-70% का आप डिस्काउंट ले सकते हैं। ये डिस्काउंट आपको मिलेगा कब? तुरंत ही नहीं मिल जाएगा। मैक्सिमम केसेस में डिस्काउंट आपको 12 महीने 14 महीने के बाद मिलेगा। तो सर, वैसी कंडीशन में तो फिर हमें रिकवरी वाले परेशान करेंगे। बिल्कुल करेंगे, 6 महीने तक रिकवरी वाले बहुत परेशान करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ तो आपको रिमाइंडर्स भेजेंगे, कई बार आ भी सकते हैं, कॉल्स करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, गाली गलौज, वो सारी बरसातें होती रहेंगी, और उन बरसातों में आपको थोड़ा भीगना पड़ेगा। छतरी में लगाने का इंतजाम कर सकता हूँ। छतरी क्या है? कॉल आए ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक ऑल द कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स। लग गई छतरी, अब वो बारिश गालियों वाली नहीं होने वाली। घर पर अगर आपके आते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आपका रेंटेड मकान हो सकता है, दूसरा आपका हो सकता है खुद का मकान। अगर रेंटेड मकान है, अरे भाई, रेंट यहाँ देना, रेंट वहाँ देना, चल जाओ 2-4 किलोमीटर दूर, कर दो बंद फ़ोन को, और दूसरी जगह जब जाओ तो रेंट एग्रीमेंट अपने नाम पर मत बनवाओ, किसी और के नाम पर बनवा लो। किसी को बताना नहीं है कि आपने कहाँ मूव किया है, तो वहाँ पर आपका हैरेसमेंट कम हो जाएगा, और इस तरीके से आपको किसी भी तरीके से 6 महीने कम से कम गुजारा करना है। और अगर आपका खुद का मकान है तो क्या हुआ, तो भी भाई रेंटेड मकान में चले जाओ, कहाँ दिक्कत आ रही है। भाई, हमारा तो रेंट का मकान है, हम जाना नहीं चाहते। नहीं जाना चाहते तो 1 महीने की छुट्टियाँ लेकर कहीं घूमने चले जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 6 महीने है ना, तो 6 महीने के बाद रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान करना बंद कर देते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद आपका अकाउंट एलिजिबल हो जाता है फॉर अ सेटलमेंट। 6 महीने तक आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। 6 महीने के बाद जब आपका अकाउंट सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा तो क्या कॉल्स आनी बंद हो जाएगी? नहीं, लेकिन 90% तक कम हो जाएगी, विजिट्स 90% तक कम हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में अब आप थोड़ा ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। You can restart breathing and you can blow away the cobwebs. मतलब ये है यार कि आपकी परेशानियाँ थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, अब सेटलमेंट की जब बात आएगी तो क्या 6 महीने के बाद मुझे बोलेंगे कि 1 लाख रुपये का 30,000 में भाई दे दो, मैं 30,000, हम 70,000 छोड़ देते? बिल्कुल नहीं। वो आपको ऑफर करें, अगर 30% नहीं तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलने दीजिए जो चल रहा है। 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 14 महीने, 15 महीने के बाद वो 30% में लगभग आ जाते हैं, और उसके बीच में आपको एक भी पेमेंट नहीं करना है, लेकिन उन पैसों को बचा कर रखना है। उड़ा देंगे तो फिर सेटलमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो आपको उसको उड़ाना नहीं, बचा कर रखना, और जब भी सेटलमेंट का ऑफर आए सेटलमेंट कर लीजिए। सो व्हाट इज़ द राइट वे टू डू सेटलमेंट? द सेटलमेंट अमाउंट एक पॉइंट होना चाहिए जिसको आपको ध्यान में रखना, 30-40%। छोटा अगर अमाउंट है, 40% में आपके 100-150-200 या 2,000 का फर्क पड़ रहा है, तो 40% में कर लीजिए। बड़ा अमाउंट है तो 10% मैक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, तो वहाँ आप 30% पर कोशिश कीजिए। एक चीज़,
दूसरी बात, सेटलमेंट के पहले आपको एक सेटलमेंट लेटर भेजेंगे, आपको पहले पेमेंट नहीं करना, सेटलमेंट लेटर आने के बाद आपको पेमेंट करना है, ठीक है। सेटलमेंट लेटर आया लेकिन फेक हो सकता है, तो मान लीजिए जिस किसी बैंक का वो सेटलमेंट लेटर है, उस लेटर को आप लेकर जाइए बैंक में, वेरीफाई करवाइए, अगर उन्होंने कहा कि ये सही है तो वहाँ पर एक स्टैम्प भरवा दीजिए और वहाँ मैनेजर से लिखवा दीजिए कि दिस इज़ जेन्युइन सेटलमेंट लेटर, और उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए। अगर वो ईएमआई में आप सेटलमेंट कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि 50,000 की ईएमआई है या 45,000 की ईएमआई, मान लीजिए 15,000 रुपये की 3 EMIs देकर आपको सेटलमेंट करना है, तो वो ड्यू डेट से पहले आप कर दीजिए, नहीं तो आपका सारा का सारा नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो सारा एग्रीमेंट जो सेटलमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। वैसे मैं OTS वन टाइम सेटलमेंट में बहुत यकीन करता हूँ, इसलिए आप ये कोशिश कीजिए कि ईएमआई में सेटलमेंट मत करवाइए, आप वो सारा सेटलमेंट वन टाइम सेटलमेंट ही करवाइए। अगर उन्होंने आपको सेटलमेंट लेटर भेज दिया है और फिर आपको लगता है कि मैं तो सेटलमेंट नहीं कर सकता, तो आप मत कीजिए पैसा, एक रुपया ही मत दीजिए, वो दोबारा तिबारा 10 बार आपको सेटलमेंट लेटर भेजेंगे, वो आपको कहेंगे कि आप ये सेटलमेंट अगर आपने नहीं किया है तो अब उसको आपको दोबारा ऑफर नहीं मिलने वाला होगा, आपको सारा पैसा पे करना पड़ेगा। बोलने दीजिए उनको, बोलना क्या है, 10 बार भेजेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। पेमेंट करना कैसे है, तो आपने वेरीफाई कर लिया लेटर को, अब पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट करने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, कैश में नहीं देंगे, मना कर सकते हैं, नीच होते ही लोग, आपको तो पता ही है। तो आपको करना क्या है, आपको कैश में नहीं देना है, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, किसी भी ऐप में जाइए, लोन अकाउंट नंबर डालिए, पेमेंट कर दीजिए, फोन पे है, बहुत सारे पे हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करना है और उसका एक रिकॉर्ड अपने पास रख लेना है। तो ये है एक सेटलमेंट का सही तरीका, और उसके बाद आप NOC मांग लीजिए या नो ड्यू सर्टिफिकेट मांग लीजिए। अगर वो नहीं देते हैं उसके बाद, नीच है, नहीं भी दे सकते हैं, देना चाहिए लेकिन नीच है, नहीं भी दे सकते, तो कम से कम आपका जो पेमेंट हुआ है उसकी रिसीट, सेटलमेंट लेटर की रिसीट, ये सारी चीज़ें अपने पास ऑन रिकॉर्ड रखिए अगले कई सालों के लिए, नहीं तो 10 साल के बाद भी, नीच है, नीच है, 10 साल के बाद भी आपको परेशान कर सकते हैं, मेरा देखा हुआ है, सुना सुनाया नहीं, मेरे एक खुद के दोस्त ने 1,00,000 रुपये का एक बैंक का सेटलमेंट किया था, बल्कि वो चेकबुक लेकर गए थे और बोला था कि बताइए कितना आपको पे करना है, उन्होंने बोला इतना, मेरे फ्रेंड ने लिख दिया, साइन कर दिया, चेक दे दिया, सेटलमेंट हो गया, इसके बाद फिर 10 साल के बाद बोल रहे कि आपके तो इतने रुपये बाकी थे, आपके तो इतने रुपये बाकी थे। अब इनके पास न तो वो सेटलमेंट लेटर, न कुछ और, फंस गए बेचारे, और ये उनको पता कब चला, जब उनके अकाउंट में से अच्छा खासा पैसा उन्होंने अचानक एक दिन 10 साल के बाद निकाल लिया, जब वो गए तो उन्हें पता चला कि आपको तो उस लोन के पैसे बाकी थे, तो दोस्त ने कहा कि भाई मैं तो चेकबुक लेकर आया था, नहीं नहीं आपके तो बाकी थे, अब आप क्या करोगे, दोबारा उनके हाथ से पैसा फिर निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए आपने जिस किसी भी बैंक का सेटलमेंट किया है उसमें से अब आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करोगे, जो भी बैंक है, सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट है बंद कर दीजिए, दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवाइए, न वहाँ कोई FD करेंगे, न कोई क्रेडिट कार्ड लेंगे, न कोई लोन लेंगे, कुछ नहीं करना है, उस बैंक के साथ रिलेशनशिप कम्प्लीटली ख़त्म कर दीजिए हमेशा के लिए, क्योंकि नीच है, फिर से कभी भी उस लोन को लेकर आपको परेशान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आपको ये मालूम चल गया होगा कि सही तरीका क्या होता है सेटलमेंट करने का। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनको बता दूँ कि इस तरह के वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ, और अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब कभी भी नए वीडियो पोस्ट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। अगर आप एक ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर आपका क्वेश्चन मुझे पसंद आया, आपका टॉपिक मुझे पसंद आया, आपकी कोई बात मुझे पसंद आई, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और बनाता ही हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ जाने से पहले, कितना भी लोन हो टेंशन नहीं करना, टेंशन करने से बात बिगड़ सकती है, आपको टेंशन नहीं करनी है, बिंदास रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, लोन है लोन ही तो है, हुआ थोड़ी है। चलिए मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को आज्ञा दीजिए, बाय बाय एंड टेक केयर।